दिल्ली चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में छतरपुर विधानसभा पहुंचे हैं और यहां पर जो हाल हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए जनता से बात करेंगे और जानेंगे आखिर कि 5 सालों में कितने काम यहां पर क्षेत्र में हुए हैं और जनता की जो मांगे थी वो कितनी पूरी हुई हैं। लगातार आज हम लोगों के बीच पहुँचेंगे और जानेंगे हाल यहाँ की विधानसभा क्षेत्र का, कितने काम हुए हैं और कितने बाकी रह गए हैं और कौन कौन से मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में जो है जनता उनके सामने रखेगी। तो आज पूरे दिन लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें जो देखी 5 साल में और आने वाले समय में जो अब विधायक जो उम्मीदवार उनके द्वारे पहुंचेंगे तो क्या मांग जनता उनसे रखने वाली है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पायनियर ने अलग अलग विधानसभा में जाकर क्षेत्रों का हाल जाना। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक छतरपुर विधानसभा है। यह विधानसभा सीट साउथ दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। 2002 में गठित परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में इस क्षेत्र को विधानसभा सीट घोषित किया गया। 2008 में चुनाव आयोग ने यहां पर पहली बार विधानसभा चुनाव कराए। तब यहां से कांग्रेस के बलराम सिंह तंवर ने बीजेपी के ब्रह्म सिंह तंवर को हराया और विधायक बने। 2013 के चुनाव में यहां बीजेपी के ब्रह्म सिंह तंवर ने पिछली हार का बदला लेते हुए बलराम तंवर को हराया और खुद विधायक बने। 2015 के चुनाव में यहां से आम आदमी पार्टी से करतार सिंह तंवर ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के ब्रह्म सिंह तंवर को करारी शिकस्त दी। करतार सिंह तंवर को 67,645 वोट मिले तो वहीं ब्रह्म सिंह तंवर को 45,405 वोट मिले। छतरपुर विधानसभा में हुई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करतार सिंह तंवर की जीत के बाद क्षेत्र में काफी काम हुए, लेकिन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगने वाले गांवों में आज भी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव के अंदर ना तो शिक्षा का स्तर सुधरा है और ना ही कोई अस्पताल की व्यवस्था है। भाई हमारे यहाँ जैसे एक तो वही शौचालय बस स्टैंड पे और पार्क जो है अधूरा पड़ा हुआ है वो डेवलप हो और पानी की समस्या है काफ़ी जी। नाली सफाई नालियों की भी है, नालियाँ तो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक बनी हुई हैं, बाकी सीवर की सीवरेज का दिक्कत है। और यहाँ पे जो मेन समस्या है पानी की और सीवर की, जबकि हम दिल्ली राजधानी में हैं और जो भी MLA बनता है वो ये कहता है कि इस बार सीवर की लाइनें बिछवाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो अजैन पैदा हुए ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बास आ जाए ऐसे पहले कुछ हुआ तो बदला होता है ना। ना ही हॉस्पिटल है, ना ही कोई बस चल रही है, ना ही स्कूल है, 5वीं तक स्कूल है जिसमें हमारे दादा पढ़े हैं जी, उसमें हम भी पढ़ लिए, हमारे बच्चे पढ़ लिए, हमारे पोते पढ़ रहे हैं जी, वही स्कूल है। काम तो हुए हैं जी, पर बाकी जो कोई भी काम है पूरा नहीं हुआ, जैसे कि स्कूल का काम है तो उसकी जो चीज़ बोली हुई है निकाली हुई है अभी उसमें जो पेंडिंग में है वो कोई भी जो ऐसा ना हुआ जो कम्प्लीट हो गया हो, जो वादे कर रहे हैं वो अभी पूरे कोई हुए नहीं है। वैसे जो स्कूल की या इनकी जो भी जो जगह निकाली है वो चीज़ करी है, पर बाकी अभी कंप्लीट कोई नहीं हुआ। स्कूल जो था पहले है वो अभी आज है, अभी जिसकी जमीन निकाली है या कुछ उसके जो स्टार्ट किए हैं वो भी पूरे कोई नहीं हुआ। तो वहीं गांव के युवाओं का कहना है कि युवाओं के लिए कोई काम नहीं किए गए, गांव में पार्क के नाम पर सिर्फ खुले में झूले लगे हुए हैं। देखो काम तो कुछ हुआ नहीं है गाँव में, वादे कर रखे बड़े बड़े जैसे कि कॉलेज स्कूल बस वगैरह कुछ भी नहीं है गाँव में, देख सकते हैं आप सामने सारा जंगल तोड़ दिया, हमारा घर परिवार सब गए। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग आज भी अपने विधायक से सड़क पानी और सीवर की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार में विधायक होने के बावजूद भी विधानसभा क्षेत्र में पूरे काम नहीं हुए हैं। छतरपुर विधानसभा में लोगों ने अलग अलग राय दी कि आखिर कौन कौन से मुद्दे इस बार होंगे और जो दावेदार हैं वो अब जनता के बीच जाने लगे हैं, पोस्टर बैनर जो हैं चस्पा होने लगे हैं। सर जानना चाहूँगा क्या माहौल है चुनावों को लेकर छतरपुर विधानसभा में और कैसे मुद्दे होंगे, कैसे जो है जनता इस बार वोट देना चाहेगी? यह मुद्दे तो हमारे यहाँ सड़क का है, गाँव में सफाई का है, बहुत सारे काम है जो नहीं हुए हैं, जैसे कि हमारे पीछे अभी एक नाला है, उस नाले का आज तक पानी का कोई लीगार्ड तोड़ नहीं हो पाया है और जितने काम हुए वो जो इन 5 सालों में कुछ काम हुए एजुकेशन से तो कराए हैं पर लेकिन शिक्षा में भी कुछ कम हुआ और ये हॉस्पिटल का भी हुआ है, पर लेकिन हमारे यहाँ की जो जनता है वो ज़्यादातर पानी के रोडों के उससे परेशान है अभी भी। क्या बता जी, रोड की भी दिक्कत आती है यहाँ पर, रोड छोड़ा देख कुछ भी नहीं है जी, पानी भर जाता है यहाँ बारिश में जी,
बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, अब जो उम्मीदवार आपके पास पहुंचेंगे, क्या कुछ लेकर उनके पास पहुंचेंगे, आप क्या मांग रखेंगे कि क्या क्या हम समाधान होने चाहिए? वो ये काम धंधा, कोई काम धंधा कुछ है नहीं जी। रोड पे पानी भर जाता है, रोड टूटे पड़े सारे, कुछ काम नहीं हुआ, केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा काम। आप तौर पर जो है वोटरों के अलग अलग राय हैं, अलग अलग मिजाज हैं, देखना होगा कि चुनाव जैसे जैसे आते हैं। क्या नाम है जी आपका? सरफीलाल। यहाँ पर यहीं पर रहते हैं आप, इसी विधानसभा में? हाँ, इसी छतरपुर विधानसभा। कितने काम हो पा रहे हैं, कितनी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल पा रही हैं, चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, कैसे देखिए? सुविधा तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों को आता है फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, कमेटी वाले आते हैं उठा पुटा के लेके भाग जाते हैं, बस कुछ भी सुविधा सही नहीं है। साफ तौर पर दो जो यहाँ पर दिल्ली में पार्टियाँ हैं, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों की जो लड़ाई हमेशा 5 सालों में देखने को मिली, वही लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जनता जो इस बार वोट करेगी बड़ी सोच समझ के करेगी, तो आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है विधानसभा का हाल और किन मुद्दों पर जो है जनता इस बार वोट करेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में चुनाव में किए गए सभी वादे पूरे करने का दावा कर रही है, लेकिन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी भी लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर विधायक से मांग कर रहे हैं। दिल्ली से संदीप गोयल की रिपोर्ट।